इस वीडियो के बाद आप फॉरन की को एक्सप्लेन कर पाएंगे और सेम डेटाबेस के दो अलग अलग टेबल्स को फॉरन की यूज करके कनेक्ट कर पाएंगे पिछले वीडियो में हमने कॉलेज की प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इन दो टेबल्स को क्रिएट किया था और हमने वीडियो को काफी इंटरेस्टिंग नोट पर छोड़ा था जहां हम बात कर रहे थे कि इन टेबल्स के रिकॉर्ड्स को हम एक साथ कैसे कनेक्ट करते हैं वेल well, हम दो अलग अलग टेबल्स के रिकॉर्ड को फॉरन की यूज करके कनेक्ट कर सकते हैं चलिए पहले समझते हैं कि फॉरन की क्या होती है फॉरन की टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जो किसी दूसरे टेबल के प्राइमरी की एट्रीब्यूट को रेफर करता है फॉरन की एट्रीब्यूट में बस उसी प्राइमरी की एट्रीब्यूट की वैल्यूज हो सकती हैं जिसे वो रेफर कर रहा है और ये एक कंस्टेंट की तरह काम करता है चलिए इस डेफिनेशन को हमारे बनाए हुए टेबल्स की हेल्प से और सिंपलीफाई करते हैं

हम टेबल में रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं और फॉरेन की एट्रीब्यूट में बस वही वैल्यूज होती हैं जिस प्राइमरी की एट्रीब्यूट को वो रेफर कर रहा हो इसलिए फॉरेन की को यूज करके हम किसी दूसरे टेबल के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं चलिए इन दोनों टेबल्स के लिए एक आईडी एट्रीब्यूट बनाते हैं क्या आप गेस कर सकते हैं कि हमने इस एट्रीब्यूट को क्यों क्रिएट किया है अगर आपको याद हो तो हमने ये डिस्कस किया था कि हर टेबल के लिए हमें एक आईडी एट्रीब्यूट को बनाना चाहिए जिसमें ऑटो इंक्रीमेंटेड वैल्यूज हों क्योंकि ये एक अच्छी प्रैक्टिस है फॉरन की अब कंपनी स्टेबल के लिए आई डी एट्रीब्यूट को रेफर करेगा और उसमें सिर्फ इस आई डी एट्रीब्यूट की ही वैल्यूज होंगी तो स्टूडेंट टेबल में कंपनीज नेम को कंपनीज आईडी से रिप्लेस करेंगे अब फॉरन की कुछ नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करता है जो है कि इसका नाम उसी टेबल के नाम पर होना चाहिए जिसकी तरफ फॉरन की पॉइंट कर रहा है और वो नाम सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए तो इस नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमारे पास कंपनीज टेबल है पर हमें सिंगुलर फॉर्म को यूज करना है तो ये कंपनी हो जाएगा और उसके बाद हम अंडरस्कोर ऐड करेंगे नेक्स्ट एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे जिसे वो पॉइंट कर रहा है जो इस केस में आईडी है तो नेम होगा कंपनी अंडरस्कोर आईडी अब चलिए फॉरेन की सिंटेक्स को देखते हैं टेबल को क्रिएट करते वक्त कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जिन्हें हम फॉरेन की एट्रीब्यूट पर अप्लाई कर सकते हैं ये इसलिए है क्योंकि ये कंस्ट्रेंट्स फॉरेन की एट्रीब्यूट्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगी जिससे वो बस प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को ले सकेंगे जिन्हें वो रेफर कर रहे हैं और अगर हम कोई और वैल्यू एड करने की कोशिश करेंगे तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और एरर थ्रो करेगा चलिए हम एसक्यूएल क्वेरीज देखते हैं जिन्हें हम यूज करके ये टेबल्स क्रिएट करेंगे यहां पर हमारे पास दो टेबल्स हैं क्या आप गेस कर सकते हैं कि हमें पहले कौन सा टेबल बनाना चाहिए हमें पहले कंपनीज टेबल को बनाना पड़ेगा और फिर स्टूडेंट्स टेबल को बनाना पड़ेगा इसका रीजन ये है कि स्टूडेंट्स टेबल बनाते वक्त हमें कंपनी अंडरस्कोर आईडी को एज फॉरेन की डिफाइन करना पड़ेगा और इसके लिए हमें रेफरेंस एट्रीब्यूट को सेट करना पड़ेगा जो कंपनी स्टेबल का आईडी एट्रीब्यूट है तो स्टूडेंट्स टेबल बनाने से पहले कंपनी स्टेबल प्रेजेंट होना चाहिए नोट करिए कि ये टेबल्स जिन्हें मैं अभी बनाने जा रहा हूं वो नए डेटाबेस कॉलेज वन में है सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट अब कंपनी स्टेबल क्रिएट करने के लिए हम इस एसक्यूएल क्वेरी को यूज़ करते हैं ये काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है यहां पर हमारे पास चार एट्रीब्यूट्स हैं

और उनकी एसक्यूएल क्वेरीज को समझा नोट करिए कि इन टेबल्स को बनाते वक्त कुछ रिस्ट्रिक्शन थी अगर ये नहीं होती तो इस डेटाबेस की डिजाइनिंग एक्सरसाइज के लिए न्यू डेटाबेस कॉलेज वन में कंपनीज और स्टूडेंट्स टेबल को क्रिएट करिए और इस टॉपिक में दिखाए गए रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट और रिकॉर्ड्स को एंटर करिए क्विज